नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रामेन टेक बैंकिंग YouTube चैनल में। जैसा कि दोस्तों आपको मालूम है, मैं अपने YouTube चैनल में लगातार आपके लिए बैंकिंग अपडेट, CSP अपडेट, टिप्स एंड ट्रिक, अदर हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन लेके आता रहता हूँ, जो आपके लिए समय समय पर बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होती है। दोस्तों, जैसा कि हमें पता है, हमारे CSP पोर्टल पर आए दिन कुछ ना कुछ बदलाव होता रहता है, या फिर आए दिन सर्वर की समस्याओं से हम जूझते रहते हैं, जिससे कि हमारे ग्राहकों को भी काफ़ी परेशानी होती है, साथ में हमें भी बहुत ही काफ़ी परेशानी वर्क करने में होती है। ऐसे में आज जो हमें नया एरर देखने को मिला है, वो मिला है हमारा सोशल सिक्योरिटी स्कीम को लेकर। जैसे हम किसी भी कस्टमर का भी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना या प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस तरीके से एक उस पर एरर सामने आ रहा है, जिस पर लिखा हुआ है PMJY SBY स्कीम इनरोलमेंट विल बी अलाउड ओनली आफ्टर द ऑथराइजेशन ऑफ अकाउंट बाई RBO ब्रांच। ये एरर मैं बता दूँ, हर खाते पे नहीं आ रहा है। ये जो ओल्ड पुराने खाते खुले हुए उन पर कोई दिक्कत नहीं हो रही, उन पर PMJY PMFY हो रहा है। साथ में जो न्यू अकाउंट ओपन आप कर रहे हो, इंस्टेंट अकाउंट न्यू ओपन कर रहे हो, तो उन खातों में ये दिक्कत आ रही है। और उन खातों में ये दिक्कत क्यों आ रही है इंस्टेंट अकाउंट में, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। जैसे कि इस तरीके से हमारे CSP पोर्टल सुबह से दिक्कत आ रही थी, हम PMJY या PMFY नहीं कर पा रहे थे, और जब हमने अपने ऑफिस से बात की तो ऑफिस के द्वारा इस तरीके से दिशा निर्देश दिया गया है कि किस कारणवश से हमारा जो PMJY और PMFY नहीं हो पा रहा है, जिसमें लिखा हुआ है कि सभी CSP BC साथियों को सूचित किया जाता है कि इंस्टेंट अकाउंट में PMJY और PMFY डेबिट करने पर रोक लगा दी गई है। जब तक ये अकाउंट RBO से ऑथराइज नहीं होंगे, तब तक अकाउंट में डेबिट करने की अनुमति सिस्टम नहीं देगा। अतः आप सभी को सलाह दी जाती है कि खाता खोलने के दूसरे दिन फॉर्म शाखा से साइन करवाकर RBO पहुंचा दे, धन्यवाद। जी हाँ, इस तरीके से दिशा निर्देश दे दिया गया है। काफ़ी CSPO की कंप्लेंट गई थी कि इस तरीके से हमारा PMJY PMFY नहीं हो रहा है, तो उन्होंने इसका जो सलूशन बताया था कि ये क्यों नहीं हो रहा है, और तो बताया गया कि इसमें जो जब तक कि CSP के जो इंस्टेंट अकाउंट ओपन आप कर रहे हो, RBO पहुंच के अपना जब तक उसका ऑथराइज नहीं होगा, तब तक ट्रांजेक्शन अलाउ नहीं करेंगे। अब वो कारण क्या है, कस्टमर CSP अभी भी वही पुराने तरीके से चल रहे हैं, उनके अकाउंट एक एक महीने डिले हो रहे हैं, एक एक महीने तक उनके अकाउंट कहां पर रहते हैं, अभी तक CSP को ही नहीं पता कि हमारा एक एक महीने तक अकाउंट RBO क्यों नहीं पहुँचता, जिसकी वजह से RBO में बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, वो समय से अकाउंट ओपन नहीं कर पा रहे हैं। तो इसकी वजह से ये दिक्कत आने वाली है और दिक्कत आ रही है, तो इसीलिए उन्होंने इस बात पे जोर दिया है कि आप जो है जब तक फॉर्म RBO नहीं पहुंचाएंगे और वहां से ऑथराइज नहीं होगा फॉर्म, तब तक डेबिट करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। मतलब कि आप किसी भी कस्टमर का प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में आप जितनी जल्दी अकाउंट ओपन करते हैं, कोशिश कीजिए कि दूसरे तीसरे दिन आप उसका फॉर्म बैंक में जमा कर दें, या बैंक में साइन करवा के खुद ही कोरियर अपने RBO के लिए कर दें, जिससे कि आपका जो कस्टमर का अकाउंट है वो समय पे वहाँ से ऑथराइज हो जाए और उसकी सारी सुविधाएं, सारे ट्रांजेक्शन की सुविधाएं उसे जल्द से जल्द मिल सके। तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।